हेलो गाइस, ये पार्ट टू है कॉन्फ़िगरिंग पासवर्ड एजिंग का। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सी एच एज कमांड और टाइम डेट सी टेल कमांड के बारे में, और उस पर हमने कुछ प्रैक्टिकल भी किए थे। बट सी एच एज कमांड में बहुत सारे ऑप्शंस रह गए हैं जो इस वाले पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ। आप इससे पहले वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखें ताकि आज के इस टॉपिक में जो भी हम पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मैं सी एच एच कमांड रन करूँगा हाइफन एल ऑप्शन के साथ। नन टू मेरा यूज़र है, एंटर। कल हमने पढ़ा था मिनिमम नंबर ऑफ पासवर्ड डे फील्ड के बारे में, आज हम बचे फील्ड्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं इन दो फील्ड्स को एक साथ लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, तो ये फील्ड बताता है कि हम जो होता है कितने दिन तक पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। नीचे वाला फील्ड ये बताता है कि हमें जो होता है वार्निंग कब से आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे 7 है, मतलब जब हमें पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है तो उससे 7 दिन पहले से हमें वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो होता है मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज को चेंज कर रहा हूँ 20 में, नन टू यूज़र। अब मैं दोबारा से सी एच एच कमांड रन करूँगा हाइफन एल ऑप्शन के साथ, नन टू मेरा यूज़र है, एंटर। तो यहाँ पर जो होता है आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर अब 20 आ गया है, पहले यहाँ पर 5x9 था। यहाँ पर पासवर्ड एक्सपायर में जो था June 27 आ गया, बट पहले यहाँ पे था नेवर। मैं आपको इनके बारे में चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी डेट है उसमें आप 1 ऐड कर देना। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा, लास्ट पासवर्ड चेंज June 7, बट 1 ऐड करना यहाँ पर हो जाएगा June 8। मतलब इसका पासवर्ड मैंने आज चेंज किया है। पासवर्ड एक्सपायर कब हो रहा है, June 27 को, बट इसका एक्चुअली पासवर्ड एक्सपायर होगा 28 तारीख की रात को, तो ये बात याद रखना। मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। मैं दोबारा से सी एच एच कमांड रन करूँगा। अब मैं बताऊँगा कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो था मैं डेट को चेंज करूँगा ताकि मैं आपको वार्निंग डे कैसे काम करता है वो बता सकूँ। उसके लिए जो था मुझे सबसे पहले NTP को डिसेबल करना पड़ेगा। फिर मैं डेट को चेंज करूँगा सेट हाइफन टाइम की हेल्प से, और मैं डेट कर देता हूँ 22। मेरा पासवर्ड एक्सपायर होगा 28 की रात को, क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा कि हमें जो होता है डेट में 1 ऐड करना पड़ेगा। अब जो होता है मैं नन टू यूज़र में स्विच होऊंगा, एंटर, नन टू। तो यहाँ पर मुझे वार्निंग आ गया है कि योर पासवर्ड एक्सपायर इन 6 डेज। SU कमांड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप जो होता है मैं वो वाला वीडियो देख सकते हो। अब जो होता है मैं 29 डेट कर दूंगा। अब जो था मैं यहाँ से एग्जिट होऊंगा, फिर से मैं नन टू में स्विच होऊंगा, एंटर। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमिडिएटली पासवर्ड एक्सपायर्ड। पासवर्ड जो था मेरा एक्सपायर हो गया, अब जो था मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। अभी का पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ये जो था चेंज हो गया है। अब जो था मैं यहाँ पर जो होता है सी एच एच कमांड रन करूँगा, एंटर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मुझसे कह रहा है कि डेट मतलब पासवर्ड कब चेंज हुआ था 28 को। अब मैं इसको जो था दोबारा से 18 से पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको, वरना यह दोबारा से एक्सपायर हो जाएगा। और आज का डेट कितना है, 29। तो ये जो होता है हमेशा एक दिन पहले ही दिखाता है, तो आप जो होता है इसमें 1 ऐड कर देना हमेशा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से सी एच एच कमांड रन करूँगा, एंटर। अब मैं आपको बताऊँगा पासवर्ड एक्सपायर फील्ड के बारे में और पासवर्ड इनएक्टिविटी फील्ड के बारे में। तो पासवर्ड इनएक्टिविटी फील्ड ये कहता है कि अगर हम इतने दिन बाद पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे पासवर्ड एक्सपायर डेट के बाद, तब जो होता है हमारा अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। एग्जांपल दूंगा, सबसे पहले मैं इसको चेंज करता हूँ, CHH-IK का यूज़ करते हैं इसको चेंज करने के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बाद जो होता है हमारा अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा अगर हम पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं, तो नन टू। मैं दोबारा से सी एच एच कमांड रन करूँगा हाइफन एल ऑप्शन के साथ, एंटर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरा जो पासवर्ड एक्सपायर होगा वो कब होगा, 18 को, बट एक्चुअली में कब होगा, July 19 को, याद रखना। और पासवर्ड इनएक्टिविटी कब एक्सपायर हो जाएगी, 21 तारीख के बाद, मतलब कि एक्चुअली 22 तारीख के बाद जो होता है मेरा अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। आज का डेट कितना है, 29th जून। मैं जो होता 23 जुलाई में चला जाता हूँ, टाइम डेट CTA 23:00, ओके। अब डेट
23 जुलाई। अब मैं नन टू यूज़र में स्विच आऊँगा, su-nn2, पासवर्ड दूंगा nn2, एंटर। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है योर अकाउंट हैज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे था 22 तारीख तक इसका पासवर्ड चेंज करना था, बट मैं नहीं कर पाया, जिस वजह से जो था मेरा जो था अकाउंट एक्सपायर हो गया। नन टू यूज़र का अकाउंट एक्सपायर हो गया क्योंकि हमने उसका पासवर्ड को चेंज नहीं किया था। तो उसके अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए हम सिंपली उसका पासवर्ड को दोबारा से चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रूट यूज़र और सुपर यूज़र। एंटर, दोबारा से chk कमांड रन करता हूँ। तो यहाँ पर जो था आप चेक कर सकते हो, इसका लास्ट पासवर्ड चेंज है July 2022। अब जो था मैं दोबारा से जो था इस वाले यूज़र में स्विच होऊंगा nn2। यहाँ पर जो था आप चेक कर सकते हो who am I nn2, मैं इसमें स्विच हो गया। अब बचता है लास्ट फील्ड, पासवर्ड एक्सपायर फील्ड। तो ये वाला फील्ड बताता है कि इसका जो था पासवर्ड कब एक्सपायर होगा। अभी यहाँ पर जो था October 5th मेंशन है, हम इसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफन कैपिटल ई। पहले आता है ईयर, फिर आता है मंथ, फिर आता है डेट। मैं यहाँ पे जो होता है डेट को चेंज करके कर देता हूँ 25th October। अब मैं दोबारा से chk कमांड रन करूँगा हाइफन एल ऑप्शन के साथ, एंटर। तो यहाँ पे देखा है मेरा जो होता है अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा October 25th 2023 को। टाइम डेट CTL कमांड की हेल्प से मैं जो होता हूँ डेट को चेंज कर लेता हूँ 10-27, एंटर। अब जो था मैं जब इसमें स्विच होऊंगा नन टू यूज़र में, तो ये मुझसे कहेगा कि मेरा अकाउंट जो था एक्सपायर हो गया है, मुझे जो था एडमिनिस्ट्रेटर मीन तरफ की रूट यूज़र से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। एक और बात, अगर हम अकाउंट एक्सपायर में उसका डेट मेंशन कर देते हैं तब जो होता है हम उसके अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, हमें जो होता है उसके डेट को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके जो था हम उसके अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।